आज से देश भर में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया है। प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी कर 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की सामग्री जब्त करने के लिए अधिकृत किया है और जुर्माना राशि भी तय कर दी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों डिस्पोजल ग्लास लेकर ईयरबर्ड और प्लास्टिक से बने झंडे बैनर तक शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनके उत्पादन भंडारण वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद प्रतापगढ़ में भी पुलिस और प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही शहर में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी संपर्क कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान कलेक्टर सौरभ स्वामी ने भी आमजन से किसी भी प्रकार की घटना और वारदात की सूचना तुरंत प्रशासन और पुलिस को देने की भी अपील की है। उदयपुर में घटित हत्या की घटना को लेकर संपूर्ण उपखंड क्षेत्र अरनौद में सांप्रदायिक सद्भाव कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकर ने उपखंड कार्यालय अरनौद में बैठक ली। बैठक में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दों पर चर्चा की और उसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में प्रशासन आमजन व सभी धर्मगुरुओं जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों से भी अपील की है कि क्षेत्र में शांति का वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें, असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अफवाहें नहीं फैलाएं और ना ही ऐसी कोई सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले को लेकर राज्य के कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल के बीच हत्याकांड के आरोपी रियाज अट्टारी और गौस मोहम्मद को अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुवार की रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को उदयपुर से अजमेर शिफ्ट किया गया। उदयपुर कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के आदेश दिए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें शिफ्ट किया गया है। कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई जारी है। देर रात राजस्थान सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है, जिसमें उदयपुर के आईजी हिंगलाज दान और एसीपी मनोज कुमार का भी नाम शामिल है। इन दोनों पर सरकार ने गाज गिराते हुए उदयपुर से हटाकर कम महत्व की जगह पर भेजा गया है। इसी तरह करौली में हुए सांप्रदायिक हिंसा की वजह से वहां के एसपी शैलेंद्र कुमार को भी हटा दिया गया है। चाकसू स्थित जगन्नाथ यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑल इंडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वुडबॉल टूर्नामेंट का गुरुवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता सोलंकी थी। उन्होंने भारी गर्मी के बावजूद इस खेल में हिस्सा लेने वाली टीमों को धन्यवाद दिया और कहा कि युवाओं को खेलों से ज्यादा जुड़ना चाहिए। नोटबंदी के बाद प्रदेश में नकली नोटों की तस्करी बढ़ गई है। कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद जाली नोटों की तस्करी नहीं रुकी। पश्चिम बंगाल के तस्कर बांग्लादेश से खेप लेकर 40 से 50 हजार के बदले 1 लाख रुपए तक के नकली नोटों की सप्लाई दे रहे हैं। आरबीआई रिपोर्ट की माने तो 3 साल में 4 लाख नकली नोट मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा नोट 500 रुपए के हैं। मणिपुर के नोनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर हुए विनाशकारी भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक अन्य लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह घटना बुधवार रात टुप्पल यार्ड रेलवे निर्माण शिविर में हुई। उन्होंने बताया कि प्रादेशिक सेना के 7 जवानों समेत 8 लोगों के शवों को निकाल लिया गया है और करीब 72 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ ओडिशा के पुरी में हो गया है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल की वजह से इस रथ यात्रा में पहली बार भक्तों को जाने की अनुमति दी गई है। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में इस बार लाखों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती भी की। आंध्र प्रदेश में इन दिनों पुलिस अवैध शराब की तस्करी को लेकर काफी सख्त हो गई है। कई इलाकों में छापेमारी के साथ ही राज्यों में दूसरे राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को नष्ट कर रही है। गुरुवार को एलुरू जिले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने तकरीबन 80 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया है।
केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बाइक सवार शख्स सीपीआई मुख्यालय पर बम फेंक कर फरार हो गया। सीपीआई मुख्यालय पर बम से हमले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में लग गई है। वहीं देर रात कार्यालय में बम फेंके जाने के बाद सीपीआई कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। सीपीआई मुख्यालय पर बम से किए गए हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। टोक्यो ओलंपिक में अपनी मेहनत से कमाल दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। हाल ही में हुए पावो नूरमिन एथलेटिक्स मीट में रजत पदक जीतने और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद उन्होंने एक बार फिर से 89.94 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही उन्होंने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल अपने नाम भी किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को 3 महीने का समय इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए दिया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल अपने स्कूलों के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा कराने का भार रोडवेज कर्मियों पर पड़ रहा है। इसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के हजारों कार्मिकों को मई का वेतन नहीं मिला है। रोडवेज के पास फंड नहीं होने से वे निःशुल्क यात्रा की पूर्ण भरण राशि का इंतजार कर रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में रोडवेज के 12,872 कर्मचारी हैं। जून भी पूरा होने से 2 महीने का वेतन बकाया हो रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। गौरतलब है कि बागियों समेत एकनाथ शिंदे कैबिनेट में कुल 35 मंत्री होंगे। इनमें से 12 बागी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि बीजेपी कोटे से 24 शहरों को जगह मिल सकती है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए 98 लोगों ने पर्चा भरा था, जिसमें से केवल 2 उम्मीदवार ही बचे हैं। नामांकन और जांच की प्रक्रिया खत्म होने के बाद बाकी अभी लोगों के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। 2 जुलाई तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। चुनाव के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख खत्म होने तक कुल 98 लोगों ने 115 नामांकन पत्र भरा। इनमें से 26 लोगों के नामांकन उसी समय तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए थे जब उन्होंने इसे भरा था। बाकी 72 लोगों के नामांकन पत्र की जांच गुरुवार को की गई, जिनमें से केवल एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का नामांकन ही सही रह पाया है। सोना अब महंगा हो गया है। सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 12.50% कर दिया है। दरअसल सरकार ने सोने के बढ़ते आयात पर नकेल कसने के मकसद से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। सोने के बढ़ते आयात के चलते करेंसी मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। बर्मिंगम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर आज से भारत और इंग्लैंड के बीच घमासान शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच पिछले साल की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का ये आखिरी मुकाबला है। ये मुकाबला सीरीज का निर्णायक मैच है। फिलहाल भारतीय टीम इस सीरीज के 4 मैचों में 2-1 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश जीत या ड्रॉ के सहारे 15 साल बाद एक बार फिर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने पर है। वहीं इंग्लैंड को यह सीरीज लेवल में लाने के लिए हर हाल में एजबेस्टन टेस्ट जीतना ही होगा। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ते दामों में जेनरिक दवाएं बेचती है। सरकार सस्ती कीमतों पर लोगों को क्वालिटी वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 तक बढ़ाना चाहती है। 26 राज्यों के 406 जिलों में 3,579 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित है। इससे देश के अधिकतम लोग सस्ती जेनरिक दवाएं खरीदने में सक्षम रहेंगे। और वहीं राजस्थान में गुरुवार को मॉनसून ने एंट्री मार दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में मॉनसून ने दस्तक दी है। आने वाले दिनों में मॉनसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा और 6 जुलाई तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर अगले 3 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।